वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कानून की ही बात की है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भी लिया है और लोगों से अपील भी की है कि हम, हो सकता है हमारे मुमरा का या पूरे महाराष्ट्र का माहौल अगर कुछ लोग खराब करने की कोशिश करेंगे तो हमको उनको हमारा फेसबुक पोस्ट के ऊपर अगर हम कोई किसी के मंदिर के या किसी के धर्म के खिलाफ अगर हम बात करेंगे तो हम जो है वो गलत है, ये भी मैंने कहा है। इसके लिए हमको इन सब चीज़ों से बचना है और हमारी जो संस्कृति है महाराष्ट्र की, हमारी जो भाषा है, हमारी जो एक तहजीब है, उसको हमेशा से जो बाकी है और हमेशा इसमें अमन अमान शांति है उसको बनाए रखना है, उसमें गलत क्या है। अमन शांति अगर आप चाहते हैं और जो भाषा का आपने इस्तेमाल किया है, हो सकता है इससे कई लोग भड़क उठे। आपने कहा कि आप अमन चाहते हैं, साथ साथ ये कहा है, लेकिन कुछ लाइंस तो ऐसी कही है ना कि जो धमकी भरी है उसके लिए माफी मांगिए ना कि लोग जाए नहीं, भड़के नहीं, अपने शब्द वापस लीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, नहीं कल भी आपने यही कहा था, मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ कि वायलेंस को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर एक साइड से कोई वायलेंस होता है या किसी भी साइड से हो, वायलेंस होने के बाद में उसका रिएक्शंस या उसका जो ये है वो अलग परिणाम उसके आ जाते हैं। इसके लिए हम शांति की अपील कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हमेशा से एक शांति का अच्छा एक माहौल बना हुआ है, वो बने रहना चाहिए हमेशा से। ये पूरी 15 मिनट की क्लिप आप सुनिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि माफ़ी मांगना या फिर उसके ऊपर आपको सफाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो 15 मिनट की क्लिप में से 25 सेकंड की एक लाइन को निकाल करके इस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सभी लोगों से फिर से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमको महाराष्ट्र 25 सेकंड आपने ये जरूर कहा है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, आप अब कह रहे हैं कि हम संविधान के अनुसार विरोध करेंगे। ये बातें आपने क्या अपने भाषण के दौरान कही थी कि संविधान के अनुसार हमको विरोध करना है? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं? ये संविधान में कहाँ लिखा है? आप ये नहीं, ये कहा था मैंने संविधान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मैं भी जानता हूँ अच्छे से, लेकिन जो मैंने पूरा रेफरेंस आगे पीछे का आप सुनेंगे तो वो उसको कनेक्ट कर लेंगे आप, पूरा जो भाषण है उसमें से उसको तोड़ मरोड़ करके उसको पेश किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है मैडम। आपके जो भाषा है धमकी भरी, इसको अगर आप कहीं भी कनेक्ट करेंगे ना मतीन शिखानी, तो ये गलत ही लगेगा। आप खुद देखिए ना, आप खुद सुनिए कि आखिर आपने क्या कहा है और किस लहजे में किया कहा है। दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि आपने क्या भाषण दिया था। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, दबे लहजे में आपने जरूर कह दिया कि हम अमन चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके साथ हैं इस लाइन में, तो लेकिन ये अमन चैन की कौन सी भाषा बिल्कुल कि छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? अगर कोई अमन चाहता ही नहीं है, अगर कोई अमन ही नहीं चाहता है, कोई अमन ही नहीं चाहता है तो आप फिर क्या करेंगे मैडम? 30 करोड़ मुसलमान है, क्या करेंगे? कानून के पास तो जाएंगे ना। अगर छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये है, सिर्फ छोड़ेंगे नहीं का मतलब से, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ, छोड़ेंगे नहीं का मतलब सिर्फ यही तो नहीं है कि हम वो अगर हमारे सामने जो इस एमपी के अंदर या दूसरे स्टेट्स के अंदर जो तलवारें लेकर निकले हैं तो वो मुसलमान मुसलमान नहीं उतर गए, उस पर आप अभी भी अड़े हुए हैं, आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे और माफी नहीं मांगेंगे। मतिन शिखानी, आप माफी नहीं मांगेंगे इस भाषण पर? नहीं, माफी का सवाल नहीं आ रहा है मैडम, माफी का सवाल नहीं आ रहा है। कल भी मैंने आपके चैनल पे यही कहा था जी, पुलिस ने आपके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, यही कहा था कि जी जी जी, आप पुलिस के पास तो पहुंचे नहीं, आप तो भरी सभा में पहुंच रही है भाषण देने के लिए, अब पुलिस आपके पास पहुंच गई है जी जी। नहीं ठीक है, वो मेरा हमारे जो पक्ष है वो हम रखेंगे और आगे जो भी न्यायिक लड़ाई है वो लड़ेंगे, उसके अंदर काम करेंगे, आगे बात करेंगे। मतिन शिखानी जी, पहले ही न्यायिक लड़ाई लड़ते आप और भरी सभा में ना जाते और ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देते, आपको भी पता है कि अभी स्थितियां कैसी हैं, आपको अमन शांति के साथ रहना चाहिए, तो आप अमन शांति मैडम का मैं एक चोला ओढ़कर आप ये भाषा का इस्तेमाल कर, आप अभी आज बात कर रहे हैं, मैंने कल सभा में बात की है, मैंने कल सभा में बात की है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको आप कन्विंस हो जाएंगे कि मैंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। आप एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे तो मेरा आंसर वही रहेगा, मैं आपको आंसर चेंज करके नहीं दे पाऊंगा मैडम।
ठीक है मतिन शेखानी जी, आप अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं, इस तरह की कोई भी आप अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं जी। अमनो अमान चाहते हैं और हम महाराष्ट्र के माहौल को किसी भी तरह से खराब नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, ये बात आप भरी सभा में भी कहते तो बेहतर होता कि आप माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं। छेड़ेंगे नहीं वाली भाषा का मतलब आपको भी पता है और जनता को भी पता है क्या होता है। अच्छी बात है कि अगर आपने लड़ाई लड़ने की बात कानूनी रूप से कही है, ये दर्शक भी सुन ले, आप सुनेंगे पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस संदर्भ में क्या कहा है। और वो आप जो बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं आप, अच्छी बात है, हम भी वही बात कल बोल चुके हैं, प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा है। ठीक है मतिन शेखानी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतिन शेखानी पीएफआई के नेता, और वो हमारे साथ जुड़े, वो अभी भी अपनी इस बयान पर अड़े हुए हैं और माफी नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है और वो ये चाहते हैं कि कानूनी रूप से वो लड़ाई लड़ें आगे, क्योंकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है मतिन शेखानी के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि जो भी पुलिस पूछेगी हम सहयोग करेंगे, लेकिन वो अपने बयान वापस लेने को तैयार नहीं है। ABP News, आपको रखे आगे।